इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। प्रयागराज पुलिस द्वारा जहरीली शराब के विरुद्ध चलाया गया जन जागरूकता अभियान। प्रयागराज पुलिस के द्वारा जहरीली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज मवैया ग्राम सभा में जन जागरूकता अभियान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें एसपी यमुनापार अभिषेक दीक्षित, क्षेत्राधिकारी कृष्णा थाना औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी के निर्देशन में जहरी शराब के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को जहरीली शराब के अवैध धंधे को बंद करने एवं जहरीली शराब न बनाने, उपयोग न करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बता दें कि पिछले दिनों जनपद में कई स्थानों पर जहरीली शराब के कारण अब तक कई मौतें हो चुकी हैं, जिससे प्रशासन के कान में खड़े हो गए हैं। इसी को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हो। कार्यक्रम में क्षेत्र की काफ़ी महिलाएं शामिल रहीं एवं पुलिस के इस कदम से लोगों ने सराहना भी की। प्रयागराज जिले से सुहेल अकरम की रिपोर्ट। तो माताएं बता दें, आप रमेश रहे। लोग शर्मा रहे हैं। आप में से परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो शराब का सेवन करता है, और कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को जानते हैं? चलिए परिवार में नहीं पूछ रहे, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं कि वो शराब पीते हैं? जानते तो होंगे, आप तो जानते हैं कोई जो शराब पीता है, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? आप लोग आगे वाले नहीं उठा रहे, इसीलिए पीछे वाले भी नहीं उठा रहे। कौन लोग आप में से यहाँ जो हैं, आप जानते हैं कि लोग शराब पीते हैं वगैरह कहते हैं, या जो इंग्लिश होती है, या जो देसी शराब आपको सरकारी लाइसेंस वाले ठेकों से मिलती है, यदि वो होलोग्राम उस पर लगा हुआ है, होलोग्राम समझते हैं, चमकीला सा स्टिकर होता है, अगर आप उन लाइसेंसी दुकानों से जो भी लोग लेते हैं, यदि लेते हैं, तो यदि आप इनका सेवन करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब आप कच्ची शराब पीते हैं। कच्ची मतलब समझते हैं, आप समझते हैं क्या रहती है, कैसे कच्ची शराब से आप क्या समझते हैं? महुए की दारू, उसको जहरीला क्यों मानते हैं? यूरिया खाद वगैरह डाल के पकाते हैं उसको, सिर्फ पानी का नहीं है।